भूल गया सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी हो। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोडमैप रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से जिले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले और उसका फायदा इस बार इलेक्शन में हम लोग मुद्दे क्या करेंगे? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीजें SC ST OBC के लोग तक पहुंचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा खत्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो, एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर। हमारी पार्टी ने तय किया है कि 90 सीटों में हम लोग और अभी भी हम लोग क्योंकि एक परिवार के रूप में काम करें तो ऊपर से कर लेंगे। चंद्रशेखर भाई, हम उम्मीद हम तो उम्मीद वाले लोग उम्मीद के आधार हरियाणा में हम तो उम्मीद करते हैं कि 90 हमारा इंडियन लोकदल और BSP का गठबंधन है वहाँ पर, तो आप उनसे क्या देंगे? अब आप गठबंधन पहले भी रहे हैं, हमारी कार्यशैली और हमने जो काम किया हमारे लीडर्स ने उसके आधार पे हमें भरोसा है कि हमें जन समर्थन ज्यादा मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा में रही है, कितनी बड़ी चुनौती आपकी पार्टी को होने वाली है? अब वो तो रहती है, अब चुनाव है, चुनाव लड़ना है, बीजेपी के साथ हम जा नहीं सकते किसी भी कीमत में, बीजेपी वैचारिक विरोध है हमारा बहुत।